की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की, नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई। आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, सेना की जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो सेना भी पीछे नहीं हट रही, सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई, आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर में गोलीबारी की गई, गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई, आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार भी दागे गए हैं और गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, वो भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, वो भी पीछे नहीं हट रही है, लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई और बता दें आपको आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार भी दागे गए, गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, लेकिन भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो एक तरफ देश कोविड-19 से परेशान है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चाहे चीन की बात कर लें या नेपाल की बात कर लें, चीन से लगातार तनाव अभी भी बरकरार है और साथ ही साथ नेपाल ने जिस तरीके से अपना मैप जारी किया था उसको लेकर भी नेपाल से भी तनाव बरकरार है और अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा है, पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई और आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार भी दागे गए, जिसको लेकर गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं आज सुबह एलओसी पर मोर्टार दागे गए, पाकिस्तान की तरफ से चुनौती सामने आई, लेकिन भारतीय सेना वो पीछे नहीं हट रही है, वो भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो भारत लगातार, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर नेपाल हो, तीनों ही देशों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वही पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादियों को भेजकर चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई, तस्वीरें आपके सामने हैं, आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार दागे गए, गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन भारतीय सेना वो भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जवाबी कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की नौगाम सेक्टर बारामूला में फायरिंग की गई और बता दें आपको आज सुबह एलओसी के पास मोर्टार भी दागे गए हैं, जिसको लेकर गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, वो भी पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कोरोना